हेलो बच्चों बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सोल्व करना है हमें एक फ्रैक्शन गिवन है 3/5, जबकि दूसरा नंबर फ्रैक्शन नहीं गिवन। तो हम जब भी इनका एलसीएम लेना चाहते हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, दूसरे नंबर को भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। मतलब हर नंबर के अपॉन में 1 लगा लेते हैं। और आपको पता है किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन गया 2/1 - 3/5। अब बेटा एलसीएम कैसे देते हैं, देखिए इसका बहुत सिंपल सी चीज़ है। 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा आपको पता है? वैसे तो 1 और 5 का एलसीएम सेम ही आएगा। ये 1 है, ये 5 है। सबसे पहले 1 का तो करने की जरूरत नहीं है, 5 से किया आपने, यहाँ कितना आएगा 1 1। तो ये कितना आया हमारा, ऑब्वियसली 5 बन जाए 5। तो आपका एलसीएफ कितना आया, आपका एलसीएम कितना आ गया 5। ठीक है, अब करते कैसे हैं सोचिए। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर कि अब बताओ 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 5। फिर उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बताओ इस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 बन जाए। इस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 बन जाए। ओबियसली आपका आंसर क्या आएगा कि सर इस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ओबियसली 5 से, तभी तो 5 बनेगा। तो अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या बन जाएगा 2 × 5 माइनस। अब देखो सेम टू सेम इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 बन जाए ओबियसली 1 से। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 से, तभी तो 5 बना। तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आया 3 × 1। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आया। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आया, 2 × 5 = 10 माइनस का 3 इक्वल टू 5, और 10 माइनस 3 इक्वल टू 7/5। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। बेटा इस चीज़ को आप सिंपल भी लिख सकते थे, मतलब ज़रूरी नहीं है इतना, मतलब आप सो करो क्रिटिकल करो, आप डायरेक्ट इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो 2 - 3/5। ठीक है, अपॉन में आपने 1 लगाया, अब आप एलसीएम ले रहे हो। तो बेटा देखो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 को 1 से डिवाइड किया, बात एक ही है, 5 को 1 से डिवाइड किया कितना आया 5, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 × 5 = माइनस। 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आया 1, और उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चीज़ सेम है बेटा, आंसर सेम आना है 10 - 3/5। अब आप डिसाइड करो कि आपको किस मेथड से करना है, बार बार आप इससे भी कर सकते हैं, पर ये जो मैंने रेड से शो किया ये शो करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ तो आपको समझाने के लिए किया मैंने ऐसा, क्लियर। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन ये है 4 + 7/8। ठीक है, 4 + 7/8। अब देखो कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वही सेम काम करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 बनाया, और 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, फिर से वही बात 8 ही होगा। अब बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको किससे करना पड़ेगा 8 से, और आप बताओ ऊपर क्या है 4 × 8 प्लस। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 बन जाएगा ऑब्वियसली 1 से, तो अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ऊपर कितना है 7 × 1। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 4 × 8 = 32 + 7 = 7/8। ओके आगे देखते हैं, 32 + 7 कितना है 39/8। अच्छा बच्चों नोटिस करो, क्या ये फ्रैक्शन जो ये जो आपका आंसर आया है कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? अगर आंसर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है तब तो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करते हैं सिंप्लीफाई आगे, 39 को आपने 8 से डिवाइड किया, आपको पता है जब आप उसको डिवाइड करोगे 8 से तो कितना आएगा, 8 × 4 = 32, रिमेनिंग कितना आया 7। तो आप इसको लिख सकते हो कि क्वेश्चन कितना है हमारा, पहले क्वेश्चन आएगा 4, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 आ गया, उसके बाद अपॉन में ऊपर आता रिमाइंडर 7 और डिवाइड किससे किया था 8, क्लियर। तो आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हो सकता है आंसर इस फॉर्म में गिवन हो सकता है इस फॉर्म में गिवन हो, मतलब आपको आना चाहिए कन्वर्ट करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 3/5 + 2/7। ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है, 5 और 7 का आपने क्या किया, आपने ले लिया 5 और 7 का एलसीएम। क्या होता है देखिए, यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया। अब 5 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ सबसे छोटा नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये 5, यहाँ 1, यहाँ कितना आया 7, यहाँ किससे डिवाइड होगा 7 से, ये भी 1 और ये भी 1, तो 5 7 से कितना आया 35। तो हमारा इस क्वेश्चन में एलसीएम 35 आया। अब बच्चों बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 35 बनता है किससे 7 से, है ना, 5 7 = 35। तो आप ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, अगर यहाँ प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करो, 35 बनता है 5 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब देखो 3 7 = कितना है 21, और 5 2 = कितना होता है 10/35। अब बताओ ये कितना हुआ 31/35। ठीक है, अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, और आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या नहीं कर सकते, आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर आया।
बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट है 9/11 माइनस 4/15। तो इसका एचसीएफ क्या, इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालना आपको आता है, ये 11 लिया, ये 15 लिया, तो डायरेक्ट 11 से कर दिया मैंने 1,15। और अब यहाँ पे आप 2, आप 3 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट 15 से कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और 11 to 35 कितना आता है, दैट इज़ 165। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 165। आगे सिंपलीफाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे मेन चीज़ यहाँ पे शायद आपको दिक्कत आए, अब 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 165 आए? अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि 165 को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, दैट इज़ 15। जिसका मतलब आपको 11 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब क्या आता है, 165। अगर आपने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। अब क्या होगा, 19 ऊपर तो आया, 9 × 15 सेम टू सेम बेटा, बीच में माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, 165 या 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 165 आ जाए, नहीं पता। क्या करें, आप ये कर सकते हो कि 165 को डिवाइड कर दो किससे, आप डिवाइड कर दो किससे, 15 से। कितना आ रहा है, आप जब डिवाइड किया तो 15 से कितना आया, यहाँ पे यहाँ आएगा ओबियसली 9 11, यहाँ आएगा 11। तो अब आप क्या करोगे, अब या वही चीज़ है कि 15 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे चीज़ बन रही है, तो क्या करें, जस्ट 11 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना है ये 44। चलो मतलब 4 × 11 लिख दो या 44 लिख दो। अब 15 × 9 कितना आता है, दैट इज़ 135 माइनस 4 × 11 44 ओवर कितना आया यहाँ पे, 165। और बच्चों अगर मैं 135 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 आया, 30 में से 4 गया तो यहाँ कितना आया, 9, तो ये आया 91। सही किया ना मैंने, 5 में से 4 किया 1, 30 में से 4 गया तो यहाँ पे 91, और ओवर कितना है, 165। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। सबसे पहले क्या करना है, 10, 5 और 2 को क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप सबको आता है। सबसे पहले मैंने किससे डिवाइड किया, सबसे पहले मैंने डिवाइड किया इस क्वेश्चन के अंदर 2 से कर देते हैं, तो ये 5 आएगा, यहाँ ये डिवाइड होगा नहीं, ये 1 आएगा। अब किससे होगा, 5 से होगा, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, सारा डिवाइड हो गया, और 2 5 से कितना होता है, 10। इसका मतलब 10 आया। बच्चों 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 आ जाए ओबियसली 1, तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो इससे को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 आ जाए, 5 2 5 2 कितना होता है, 10 होता है, तो ओबियसली इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, यहाँ कितना आएगा, 2 × 2। सिमिलरली 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 बन जाए 5 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। सिंपल सा प्रोसेस है बेटा। ये आया 7 × 7 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 3 = 15 ओवर 10। सिंप्लीफाई किया इसको मैंने तो ये आएगा 15 + 4 = 19 ओवर 10। क्लियर, 15 + 4 = 19 ठीक है, डन, दिस इज आंसर। ठीक है, और इसे हम चाहें तो आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 26/10 को। कैसे कर सकते हैं, देखो 20 पे जाएगा, पहले 2 आया फिर रिमाइंडर 6 आया, तो मिक्स फॉर्म में लिखा तो क्वेश्चन, उसके बाद आता है रिमाइंडर, उसके बाद होता है डिवाइड डिवीजर, तो 26/10 दोनों आंसर क्लियर है हमारे, सही है हमारे। बच्चों इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं आगे, कैसे करेंगे, आपको पता है ये 2 की टेबल्स कट हो रहे हैं, तो ये आएगा 13 और ये आएगा 5, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट, और 6th पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 2/3, मतलब मिक्स फॉर्म गिवन है। ठीक है, और एक फॉर्म में गिवन है प्लस 3 1/2। क्लियर, हमें दो फॉर्म गिवन है, क्या करें, पहले मिक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं मिक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई, नोटिस करना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में सो ऐसे करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 6 + 1 कितना हुआ, 7, तो 7/3 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ से करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + 2 = 8, तो 8/3 बन गया ये। तो ये हमारी मिक्स फॉर्म, ये हमारी कौन से फॉर्म बन गए, इम्प्रॉपर फॉर्म ना, और 3 इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 × 3 = 6 + 1 = 7/2। तो अब आगे वाला काम सेम है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बताओ, 3 और 2 का एलसीएम, देखो सबसे पहले 2 से किया, यहाँ कितना आया 3, यहाँ आया 1, फिर मैंने 3 से किया, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 2 × 3 = 6 आया 6। अब बच्चों बताओ 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 बन जाए, 2 से, अगर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 × 2 = 16 आया 16 प्लस। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 6 बन जाए 3 से, तो अगर आप इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब 6 बन जाए, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, 7 × 3।
ओके 16 प्लस 7 इंटू 3 कितना आया 21/6। अच्छा ये कितना हुआ, ये होगा 37/6। सिंप्लीफाई वगैरह कर लो, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है। अगर मैं मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूँ इसको तो ये क्या आएगा, देखो 37 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो 36 पे डिवाइड पूरा पूरा गया, 6 पे जाता है और रिमाइंडर कितना आया 1। तो सबसे पहले आया क्वेश्चन, फिर आया रिमाइंडर, उसके बाद आया डिवीजर, तो 6 1/6 इज आर आंसर। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा 6 पार्ट। आगे वाले पार्ट पे मूव करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें मिक्स फॉर्म गिवन है। पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 8 2 16 प्लस 1 17 17/2, ठीक है, माइनस 8 3 3 24 प्लस 5 29 29/8। ओके अब क्या करना है, 8 और 2 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। और बच्चों आपको पता है कि 8 और 2 का एलसीएम कैसे लेंगे, पहले 2 से किया तो ये 4 पे गया और ये 1 आया, फिर यहाँ डायरेक्ट 4 से ही कर दिया 1 1, 2 4 8, तो एलसीएम कितना आया 8 आया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 बन जाए ऑब्वियसली 4 से, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 यहाँ कितना आएगा, 17 into 4 माइनस। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 बन जाए, 1 से करना पड़ेगा, 8 बन जाए 8, तो अब यहाँ पे 1 से किया तो यहाँ भी किससे करना पड़ेगा, 29 बन जा 29, 1 से किया। आगे देखते हैं 17 4 से कितना होता है बच्चों, अपने हमने अभी किया था 68, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, माइनस 29 बन जा 29, ओवर कितना आया 8। ओके अब अगर मैं 68 में से माइनस करता हूँ 29 को, कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 कैरी किया, 18 में से 9 गया तो ओबियसली कितना आया 9, और फिर यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3, तो यहाँ 39 आया, तो 39/8। और ये कौन सी फॉर्म है, 39/8, ये कौन सी फॉर्म है बेटे, ये फॉर्म है हमारी इम्प्रॉपर फॉर्म, जिसको हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं आगे, 8 का 8 4 32 होता है, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है 7, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 रिमाइंडर 7/8, ये हम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1।